दीदी, अपनी बारी में तो तुमने बड़ा फूल चुना था, तो अब छोटा फूल क्यों चुन रही हो? ए चुप, वो तो फेल हो गई। अच्छा, बड़े फूल के साथ तुम्हारी बहन के लिए ट्राई करती हूँ। तुम चीटिंग करती हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अरे सुनो तो, अरे यार लगता है टायर फटा। अच्छा कुछ आवाज सी आई, देखना। अरे नहीं यार, वो दोनों आ रहे हैं। ए, कहाँ जा रहे? अरे रुक, ए, ए। तू पैदल चला जा, कल मिलते हैं, समझा? अरे वो अकेला आ रहा है, चल 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 चलते हैं। आओ बैठो। वो रास्ते में एक बरगद का पेड़ पड़ेगा ना, उस पेड़ के बगल में एक पुल पड़ता है। हाँ, जानता हूँ। उस पुल के बाद एक पुराना सा घर है, वहाँ तक मुझे छोड़ दोगे? हाँ छोड़ दूंगा, बैठो ना। थैंक्स। अरे इसे दो, मैं रख लेता हूँ। आ जा। बेचारा, इसके पैर में कांटा चुभ गया है। हाँ तो इसे गोद में बिठा लेते हैं। ये आदमी किसी लड़की को नहीं छोड़ेगा, गोद में बिठा लो ना इसे। मैं नहीं आ रही, बस ये ही जाएगा। तुम नहीं चलोगी? नहीं, दोस्तों बीच रास्ते में इसके लिए नहीं छोड़ के आया हूँ। चलो उधर, उल्लू के पट्टे को ढूंढ कर उसकी गाड़ी पे बिठा देना। ले पकड़। बढ़िया, ये कोई बात नहीं। सुनिए जी, आज स्कूल का पहला दिन है, आप उसे छोड़ क्यों नहीं देते? जाइए ना। रहने दो माँ, मैं चली जाऊंगी, वैसे भी कल से साइकिल से ही जाऊंगी। पापा, थोड़े से पैसे चाहिए। अरे बेटी, गाय को चारा खिला के छोड़ दूंगा। नहीं, सहेलियों के साथ चली जाऊंगी। कितना अच्छा होता आप इसे एक स्कूल की बस करा देते, सुबह ले जाती और शाम को उस बेचारी को छोड़ जाती। ए, गायत्री नहीं आई? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। तुम्हारा भाई तुम्हें छोड़ने आने वाला था ना, उसे किसी जरूरी काम से जाना पड़ा। ए, तुम लोगों को पता है मणि और कनिका के बीच में कुछ चल रहा है। क्या कह रही हो, सच में? हाँ, मैंने दोनों को कई बार साथ में देखा है, स्कूल के बाहर भी। कोई बाइक पर आ रहा है, जल्दी आना। आती हूँ। जल्दी कर, जल्दी कर ना। ए, क्या कर रही हो मेरे खेत में? ओ, चोरी की जा रही है, वाह। कब से ये सब चल रहा है? ए, अपना लंच बॉक्स खोलो, तुम भी सब लोग खोलो अपना लंच बॉक्स। हम लोगों ने कुछ नहीं चुराया, इसी नहीं चुराया। अच्छा, कुछ नहीं चुराया? नहीं, कुछ भी नहीं चुराया। ए, मेरे खेत में चोरी करने की सजा मिलेगी, कल से ये तुम लोगों के साथ नहीं जाएगी, अकेले स्कूल जाएगी। चलो निकल लो यहाँ से, समझ गई? चलो जाओ, चल भाग। अरे जाती है नहीं, चल चल चल, चल, चल जाओ ना। तुम तो वही हो ना, कल मेरी बाइक रोककर मुझे उल्लू बनाया और उस बच्चे को मेरी बाइक पर बिठा रही थी। यहाँ कहाँ रहती हो? रानी मंगलम में? हाँ, रानी मंगलम में। अच्छा, नाम क्या है तेरा? महेश। ये तो मर्दाना नाम है। मेरा पूरा नाम महेश्वरी है, लोग प्यार से महेश बुलाते हैं। पिता का नाम क्या है? उनका नाम है दुराई। क्या काम करते हैं वो? वो धान बेचते हैं। ओ, तो तुम धान चुरा के अपने पिताजी को देती हो, जो वो पूरे गांव में सीना चौड़ा करके बेचते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर चोरी क्यों की? वो दरअसल मुझे भूख लग रही थी, तो इसे बेच के कुछ खा लेती इसलिए। ओ, अपनी भूख मिटाने के लिए मेरे खेत में घुस के मेरा धान चुराओगी क्या? वैसे तुम्हारा टिफिन बॉक्स इतना छोटा क्यों है? कल से बड़ा वाला बॉक्स लेके आना, यहाँ से वहाँ तक ये सारे खेत मेरे ही हैं, अब चाहे जितना चाहे धान ले सकती है, समझ गई? थैंक्स। बस एक शर्त है। क्या? ये बोलना पड़ेगा कि तुम मुझसे शादी करोगी। मैं ये सब नहीं बोलूंगी। सच में थोड़ी करने को बोल रहा हूँ, ऐसी मजाक में कह दो। नहीं, मजाक में भी ये सब नहीं बोलूंगी। अच्छा, तो फिर चलो तुम्हारे पिताजी के पास,
उनको बोल दूंगा कि आपकी बेटी मेरे खेत से भर भर के धान चुराती है। चलो। नहीं। डर गई ना? बोलो डर गई ना? तो फिर बोलो मुझसे शादी करोगी? अरे ए, रुको। अरे जाने से पहले थैंक्स तो बोल दो। अरे अर्जुन यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, उसका पेन खो गया था, वही ढूंढने में उसकी मदद कर रहा था। और तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? अच्छे हैं। तू सुना, मजा किया कि नहीं कल रात? चंदन सबदन चंचल चितवन। अर्जुन यार, करू मैम में क्रिकेट मैच है, हमसे बैट मांग रहे थे, दे दे। कोई जरूरत नहीं है। देख लॉरी आ रही है क्या? हाँ हाँ, वो सोसाइटी की खाद लेकर आ रही होगी। हाँ यार, पर इस लॉरी का प्रियंका मैट्रिकुलेशन स्कूल में क्या काम हो सकता है? अच्छी बात है कि वो 10वीं तक पढ़ाते हैं। अरे यार, उसे कुछ होगा, कोई काम होगा इसलिए। हाँ नहीं रे, ये कौन है? ये भाग कर रहा है। ये भाग कहाँ रहा है? ये पागलों की तरह इधर उधर क्यों भाग रहा है? ये पेड़ पे क्यों चढ़ गया? देख भाई, ये कम से कम 500 रुपए में बिकेगी। तो उन लड़कों को नया बैट चाहिए था ना, तो उन्हें नया बैट खरीद के दे दे और मेरे लिए एक क्वार्टर ले आना। अरे चुप रहो सब लोग, उसने इतना जोखिम उठाया, लॉरी से बोरी गिराई है, उसे बेचकर कुछ भी ले लोगे। बेवकूफ चोर डकैत लोग, तुम लोग सोसाइटी में बांटने वाली खाद को चुरा रहे हो। अभी सोसाइटी में जाकर सबको बताता हूँ। अरे ये तो पूरे गांव में डिंडोरा पीट देगा। यार उसे रोकना पड़ेगा। आज मैं जब जाकर बताऊंगा ना, तब तुम लोगों को पता चलेगा कुछ चोरी करने का अंजाम क्या होता है। अरे काका रुको, काका पंचायत तुम लोगों की खिल्ली उड़ाएगा और मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा। नाराज क्यों हो रहे हो? हमारी बात तो, आपकी बीवी ठीक तो है ना? मेरी बीवी एकदम मस्त है, हष्ट-पुष्ट है। ए, क्या पूछा तुमने? अच्छा तो तुम सब मिलके माफी मांगने नहीं, मेरा मजाक उड़ाने आए हो। देखना पूरा गांव तुम पर थू थू करेगा। ए, 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 मुझे पैसे देने की कोशिश मत करना, तुम्हारी बदनामी करा के रहूंगा। रुको, क्या? मैंने सुना है कि तेरी बीवी के साथ तेरा झगड़ा हो गया। मैं क्यों बिना मतलब कि अपनी बीवी के साथ झगड़ा करूंगा? पंचायत, अरे मियां बीवी में झगड़े तो होते ही रहते हैं, उससे बात करना बंद कर दो। अरे जब मेरी बीवी के साथ मेरा झगड़ा हुआ ही नहीं है तो मैं क्यों बात करना बंद करूं? जानता है पंचायत ने पॉलिटॉल पी लिया है। ये बात ना पूरे गाँव में फैला दे, कुछ लोगों को इकट्ठा कर और बोल दे कि पंचायत ने पॉलिटॉल पी लिया है, जो कि एक जहर है। अब एक कार का इंतजाम कर और उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है, ऐसा बोल दे। जा जल्दी भाग। पंचायत ने पॉलिटॉल पी लिया है। अरे रुक जाओ। अरे क्यों नाटक कर रहे हो तुम लोग? अरे सुनो, अरे सुनो, अरे इस तरह से क्यों भाग रहे हो भाई? अरे क्या हुआ? पंचायत ने पॉलिटॉल पी लिया। अच्छा ऐसी बात है? ओहो, अरे भाई सुनो। अरे क्या हुआ? तुम्हें पता है क्या हुआ? क्या हुआ? हमारे पंचायत ने, पंचायत ने, हमारे पंचायत ने, उसने पॉलिटॉल पी लिया है। अरे कल तक तो अच्छा भला था, फिर अचानक उसने ऐसा क्यों कर लिया? अरे पर मैं तो यहाँ अच्छा भला खड़ा हूँ तुम्हारे सामने। अरे भाई तेरी बात कौन मानेगा? ए, 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 भाई रुको। अरे मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल पंचायत को देखने। अरे मुझे बख्श दो, मुझे जाने दो। अरे भाई कपड़े में ना डाल, इसको थोड़ा पिला भी दो। अरे रो मत। अरे भाई ये क्या गंगा जल है जो मेरे ऊपर छिड़क रहे हो? अरे मुझे जाने दो, मेरे छोटे मोटे बच्चे हैं। अरे छोड़ दो मुझे। अरे इसके पति ने पॉलिटॉल पी लिया है, क्या करेगी? अरे वो पागल है क्या? हाँ सिस्टर एक मिनट, यहाँ पे कोई वैनिला नाम की लड़की काम करती है क्या, जानती हो? उसने तो कभी की नौकरी छोड़ दी है। उसका नंबर है क्या? तुम कहाँ रहती हो? ये ना थी गाँव में। मैं भी तो वहीं रहता हूँ। हे भगवान, कोई मुझे मेरे पति से मिलवा दो। बेटा तुम तो मेरे पति को जानते हो, मुझे ले चलो उनके पास। वो मत आंटी, ये तो मेरा फर्ज है। अरे बस भी करो अभी। देखिए मैं आपको ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता आंटी, पैसे के अलावा भगवान ने आपको सब कुछ तो दिया है ना आंटी। लेके आई हूँ मेरे पति की जान बचा लो। कहाँ है मेरा पति? पैसे की चिंता मत करो, मेरे पति को बचा लो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी, मेरे पति की जान। तुम्हारे पास कैश है, मुझे लगता है तुम खर्च करना नहीं चाहती। उस पैसे को रख के क्या करोगी? मेरे पति के जान से बढ़ के कुछ भी नहीं मेरे लिए। ये लो, ग्लूकोज भी खरीदना। यहाँ पर तुम इतना पैसा खर्च करके अपने पति की जान बचाना चाहती हो और उधर तुम्हारा पति
ये सोच कर जहर खा लिया कि तुम्हारा किसी के साथ चक्कर है। अजीब फैमिली है यार, ये सब तो संभाल लेती मोटी। लगा मेरा चक्कर चल रहा है, कहाँ है वो घन चक्कर? अरे जहर खाते समय तुम्हें अपने बेटे का चेहरा ध्यान नहीं आया? कैसा बात है? हट, तुझे लगा मेरा चक्कर चल रहा है? भगवान मुझे ऐसा दिन क्यों दिखा रहा है? तुमने मेरे पति व्रता होने पे शक किया, तेरी तो और आप लोग ये देख रहे हैं कि कैसे मुझे शक कर रहा है। अच्छा होता कि तू मर जाता, तेरे मरने पे मैं आंसू भी नहीं बहाऊंगी। प्रेसिडेंट अंकल देखिए इनकी क्या हालत हो गई। आपने जितने में इनकी मदद की थी ना, अब देखिए क्या हाल हो गया। जरा देखिए सर। परिवार वाले होने के बावजूद तुमने ऐसी घटिया हरकत की, जहर पिया ना तुमने? तुम्हारे अंदर शर्म भी है या नहीं? तो तुम लोग सब यहाँ मिट्टी में क्यों खेल रहे हो? ये सब मेरे पति की मेहनत के पैसों से आया है। चलो भागो, ऐसे भागो, वहाँ जाकर खेलो। पता नहीं लोगों को यहीं क्यों खेलना होता है। आज के बाद यहाँ खेले तो टांगे तोड़ दूंगी तुम लोगों की। भैया भैया भैया, कल हम खेतों में पौधे लगाने जा रहे हैं। तुम्हें पता है हमारे पास बहुत कम लोग हैं। हमारे पास ट्रैक्टर भी नहीं है और ना ही बैल है। तुम अपने दोस्तों से दो बैल ले आओ ना। फसल होने के बाद क्या तू मुझे उसमें से अनाज देने वाली है? चल निकल, आ जाते हैं। ए चल निकल से। ए अर्जुन, अरे तू अपनी खोपड़ी क्यों गर्म कर रहा है यार? घर में औरतें हैं, बैल का बंदोबस्त कैसे करेंगी? ऐसा क्या, चल ठीक है। ए सुन, कल मेरे खेत में बैलों की चार जोड़ियां काम करेंगी, तू 200 रुपए लेके आना। 200 रुपए? बिना पैसों के मेरी बैटरी चार्ज नहीं होती। मैं माँ से पूछ के आती हूँ। अच्छा सुन, अपनी माँ से 300 रुपए ले आना। तितली रानी आ जाना, आके मुझको छू जाना। तितली रानी आ जाना, आके मुझको छू जाना। देख पैसे कैसे निकालते हैं। भैया मैं पैसे दे रही हूँ, लेकिन कल मुझे वो बैल चाहिए। चुप, बढ़िया ही नौटंकी करने वाली। पैसों की बात आती फट से ना बोल दिया तो। अब ये पैसे का पेड़ से तोड़ कर लाइए तू। बैल चाहिए इसको।